चीज की एक लिमिट होती है। वादा किया था ना लड़कियों को समय पर लाने का, ये समय है? सॉरी मैम, वो बात यह है कि हम कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरी गलती थी कि तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैम प्रियम की कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से लेट हुआ, हम रास्ता भटक गए थे। और अगर प्रियम नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। तब तो डांट और सजा तुम्हें दोनों ही मिलनी चाहिए, ठीक है ना? तुम्हारी सजा ये है कि तुम कल के कॉम्पिटिशन में गाना नहीं गाओगी। और मैम कोई बहस नहीं, हम कॉलेज से भी निकाल सकते हैं तुमको। पूनम अपने कमरे में जाओ। पर मैम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बात उसकी सुनी जाती है जिसकी बातों का कोई मोल हो। तुम्हारे लिए तो हर बात मस्ती मजाक है। तुम हमको ब्लैकमेल करो या सारे शहर में हमारे पोस्टर लगवा दो, अब हमको कोई फिक्र नहीं है। हमने कह दिया ना कि पूनम कल के फंक्शन में नहीं गाएगी, तो मतलब नहीं गाएगी। पुनमी के हाथ की बनी चाय की बात ही कुछ और है, पता नहीं क्या मिलाती है इसमें। प्यार। अब उसकी हाथ की बनी चाय ने हमें इतना बिगाड़ दिया है कि दूसरे के हाथ की बनी चाय अब बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती। क्या बकवास कर रहा है? कुत्ते कब से शेरों के मुंह में हाथ डालने लगे? रख। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गर्म काहे हो रहे हो? पापा वो जो 15 लाख रुपए भिजवाए थे मिनिस्टर साहब को भोला और माधव के हाथों, वो पहुंचे नहीं। भोला और माधव का भी पता नहीं है। लगता है गद्दारी करने का बेवकूफी कर गए दोनों। पर वो दोनों तो हमारे पुराने वफादार हैं। इससे ज्यादा ज्यादा पैसा देकर हमने कई बार उन लोगों को भेजा है, इससे पहले तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पापा वो जमाना अब रहा नहीं, ये मंचिता काका जैसे वफादार हम है नहीं, ये कुत्ते पाल रखे हैं हमने। हम जाके भैया से बात करते हैं, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ठीक, नहीं तो। अरे आपने तो तिल का ताड़ बना दिया, मरने मारने तक सोच लिए। बताओ कहीं भी जाने से पहले ना लाखन से एक बार बतिया लीजिए, सच कहाँ है वो खुद ही बता देगा। सच वही है जो दिखाई दे रहा है। बड़े पापा का पैसा है, हमने लूटा है और हमने ही उनके आदमियों को मारा है। ये सब कहां नाम से नाप बके जा रहा है? ए जी हमको क्या लगता है जानते हैं, इसका ना नींद पूरा नहीं हुआ। जाना बेटा अंदर जाके थोड़ी देर और सो ले, हम बाद में बात करेंगे। हैं सो जा। बहुत सो लिया अम्मा, अब तो जागे। और तय भी कर चुके हैं कि हमको अपना जिंदगी कैसे जीना है, और आप भी तय कर लीजिए
कि आपको अपना जिंदगी कैसे जीना है। लाखन ठाकुर का बाप बनके ठाकुर के छोटे भाई बनके